मैं तो परेशान हाँ, तू अपना करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाएं। तो इसमें आप लोग को जो है झूल कर दिखाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हम झूल रहे हैं अब इसी तरीके से, और भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से आप लोग का हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं गाँव एरिया सऊदी अरब का, रियाज से 100 किलोमीटर है तकरीबन, जिस गाँव का नाम है मलहम, ये मेरी गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज आप लोग को गाँव का इंजॉय कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लगते ये मजरा है, मजरा के नाम पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ लगा होगा नहीं है, केवल एक खजूर है। आप लोग देख सकते हैं ये दो चार यहाँ पर खजूर जो है लगा हुआ है। ये जो है हमारा बाइक है, मतलब हमारा नहीं है, जो यहाँ पर काम करते हैं उसका जो है बाइक है, इसे इधर उधर वो जाते हैं। ये कुछ यहाँ पर बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। ये हमारा रूम है, आप लोग को दिखाते हैं, सड़ा गला सा रूम है। जो जब हम जो है AC चलाते हैं तो ये लाइट ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो लाइट दो लगा है, जब हम AC जो है चला रहे हैं तो ये लाइट अपने आप बंद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो तार आप लोग को दिख रहा होगा, ये तार जो है यहाँ से हिल रहा है जब AC चल रहा है, यहाँ से हवा निकल रहा है। तो ये हमारा रूम है, ये हमारे सरकुल्ला भैया हैं जो रूम की रखवाली करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हैं, ये 20 साल से यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। चाय वगैरह हम लोग को पिला देते हैं जब आते हैं। तो ये हमारे सरकुल्ला भैया, खाना नहीं खाया अभी तक? एक बार खा चुके, मतलब एक बार खा चुके हो, अभी एक बार और खाना है? नहीं, आप बोले, हम सोचे यार आप दो, मतलब एक बार खा चुके, दूसरा बार लेने की फिराक में हो खाने की। यहाँ हमारा जो है एक ही बार नहीं हुआ। तो ये हमारे सरकुल्ला भैया हैं, एक मरतबा खा चुके, एक बार और खाने की फिराक में है, यहाँ हमारा एक बार भी नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो, किसने बोलो? खाना देगा बोला है। अच्छा, खाना देगा बोल रहा है, लेकिन कब देगा? इन लोगों को कोई भरोसा है ना, खा कर देगा। तो खा कर जो है देने का मतलब हो गया अच्छा ही लगता है। गींच गाँच के सब लोग देते हैं, एक में ही खाते हैं। यहाँ का नियम कानून तो आप लोग को पता होगा भाई लोग, तो आप लोग को आगे का दिखाते हैं। ये मजरा है, यहाँ पर एक गाय भी जो है हमारे, इनका नाम है सरकुल्ला भैया, ये जो है एक गाय भी पाले हुए हैं। आप लोग को गाय दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये गाय जो है ये पाले हैं, अच्छा खासा शायद दूध भी देती है, ये बढ़िया सा जर्सी सा लग रहा है गाय। हम तो गाय तो पहचानते नहीं, आप लोग देख सकते हैं कौन सा गाय है। यहाँ पर इसका हालत देख सकते हैं, यहाँ पर रहती है। ये वो टप है जिसमें जो है चारा और वगैरह जो है दिया जाता है, ये आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे भाई साहब आ गए, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं यार। कहाँ रहते हो भैया, इतने दिनों के बाद दिख रहे हो यार? कल से हम अकेले जो है परेशान हैं यार। ये आप लोग दिख रहे हैं बच्चे, पता नहीं पैदा हो के आ रहा है, फोटो पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, पैदा हो के आ रहा है, पता नहीं जा रहे हो कहाँ घर छोड़ कर? वो तो मेरा वो पुरानी जगह जाता हूँ ना मैं। अच्छा, बाहर के थे ना? नहीं, उदरी 24 नंबर पे हमें, वो इसके कसर यह है ना, कसर मॉल। नहीं नहीं, शादी वाला हाउस। अच्छा, मैरिज हॉल जो है 24 नंबर पे। 24 नंबर पे बाती के पास, उधर ही फीचर होता हूँ मैं। ये देखो हमारा जो है सीधू, जो हमारे दोस्त था यहाँ पर काम करता था, उसका लड़का है ये, मतलब उसका लड़का नहीं, उसकी मैडम का लड़का है ये। अंदर आप दिखाते हैं जो है यहाँ पर घास वगैरह रखा हुआ है। आगे आप लोग को दिखाते हैं यहाँ की टॉयलेट की जो हालत है भाई साहब। अगर आपको टॉयलेट लगा है तो आप जो है टॉयलेट नहीं कर सकते इसमें, इतना मतलब गंदगी है टॉयलेट में कि आपका जो है टॉयलेट उतरेगा ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ का टॉयलेट है, बाथरूम है, ये टूटा सूटा सा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, वो भी नहीं चलता है, जो प्रेशर होता है पानी वाला वो भी नहीं चलता है। बाकी ये मशीन की हालत आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा किचन है, मतलब हमारा नहीं, जो यहाँ पर सरकुल्ला भाई रहते हैं उनका किचन है। ये किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं, जैसे लग रहा है यहाँ से बर्फों से कोई घुसा ही नहीं अंदर, ये हालत है आप लोग देख सकते हैं, कभी लग रहा है बंदा छूता ही नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रिज है, इसमें क्या क्या रखे हैं, इसमें रोटी है सड़ा गड़ा सा, ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये भी रोटी है, नीचे आप लोग देख सकते हैं खजूर है, यहाँ पर सामान वगैरह है, यहाँ पर जो है पानी सानी रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये गैस है यहाँ पर, एक साथ में आप लोग, अगर ये सही रहता, हालांकि ये ख़राब हो गया है, अगर सही रहता तो एक इस पर आप लोग बना सकते हैं, इस पर मतलब चार अगर चीज़ आप बनाना चाहते हैं एक साथ में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो गाय का दूध निकालते हैं इसमें रखते हैं, कहते हैं ना कि जो मजरा, तो मतलब मजरे की ही हालत में है। आपको जो है बाहर का दिखा रहे हैं, बाहर का जो है यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ा किए हुए हैं, अभी कहीं गए नहीं रास्ते, तो रास्ते ऐसी खड़ी है, गाड़ी यहीं पर पड़ा हुआ है, पर यहाँ पर जाना नहीं होता, यहाँ पर ड्यूटी कहीं पर जाना नहीं है। ये चीज़ का यहाँ पर सही है कि कहीं पर जो है जाना नहीं रहता है, यहाँ पर जो है दिल भर, मतलब जितना दिल करे उतना सो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो ये ऐसा जगह है, गांव एरिया है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ सब जाएंगे घूमने फिरने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं गांव एरिया है, इतना यहाँ पर चहल पहल नहीं है जितना हम लोग के रियाद में है।
और भी आगे का दिखाते हैं। महताब भाई भी हमारे आने वाले हैं, वो भी आते हैं, उनके साथ चलते हैं कहीं पर चाय साय पीने के लिए होटल में, फिर आप लोग को आगे का व्यू दिखाते हैं। तो भाई लोग हम लोग आए हैं जो है अभी यहाँ का जो गांव का जो वो पार्क है, आप लोग को दिखाते हैं गांव का पार्क कैसा होता है। ये आप लोग देख सकते हैं गांव एरिया का छोटा सा पार्क है, यहाँ पर छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है रात में और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम लोग देख सकते हैं ये रेडीमेड जो है घास है जो लगाया गया है। आप लोग को आगे दिखाते हैं, यहाँ पर झूला छोटा सा बच्चों को खेलने के लिए लगाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा सा, ये पता नहीं क्या किसके लिए जो है लगाया गया है। यहाँ पर रात में सब यहाँ पर जितने भी गांव के बच्चे हैं औरतें हैं सब यहीं पर आकर टाइम पास करती हैं, सब बैठते हैं। अभी तो धूप है इसीलिए कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा खेलने वाला कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा सा झूला उला लगाया गया है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है पार्क है, यहाँ पर बच्चों को खेलने वाला कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर ये बच्चे इस पर बैठ कर जो है नीचे तक आते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को ऊपर चढ़ के दिखा देते हैं, हम चढ़ेंगे यहाँ से। ये आप लोग देख सकते हैं इस पर बच्चे लोग जो है साइकिल की तरह यहाँ बाहर बना हुआ है बच्चों का जो है चलाने के लिए, ये झूला वगैरह है। यहाँ पर जो है बच्चे बैठकर इस पर भी जो है मस्ती करते हैं, जो हमारे वहाँ जो है सर्कसों में सब लगा के रखते हैं, जो मेले में सर्कस लगता है इस पर बैठ के सब झूला झूलते हैं जो पैसे लगा कर। यहाँ पर फ्री है, आप अगर चाहते हो तो यहाँ पर जो है आकर दिन रात इसे बच्चे जो है आपकी मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झूला लगा हुआ है, झूला इस पर आप लोग बैठकर जो है फ्री है बिल्कुल, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर ऐसे ही पार्क गांव में भी सिटी में भी, सिटी में तो और यूनिक करके लगाते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मार्केट डाउन है पार्क का, हमारे यहाँ तो रहता तो टॉयलेट वगैरह सब लगा रहता है पार्क में। तो इसमें आप लोग को जो है झूल कर दिखाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हम झूल रहे हैं अब इसी तरीके से, और भी यहाँ पर लगा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना डेंजर बना हुआ है, इस जानवर का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ये भी है झूलने के लिए, बच्चे इस पर बैठ के जो है झूल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग जा रहा है नीचे ऊपर, ऐसे ही करके चलता है। डायनासोर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता है, ये आप लोग को ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। यहाँ पर जो है बच्चे ऊपर चढ़ के उस पर मस्ती करते हैं, ये सीढ़ी है, यहाँ से हम चढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है रात में, और भी जब लाइटिंग यहाँ पर जलता है ना तो और अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे भाई हैं जो साथ में आए हैं हमारे टहलने के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से बच्चे जो बैठते हैं तो नीचे तक जाते हैं सरकते हुए। ये अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा जो है बकरी हैं, जो यहाँ पर जो है जिसका मजरा है जिस सब्जी का वो पाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है बकरी हैं। हाँ, हमारा मेहताब भाई आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी आ गए हैं, तो टाइम कटने में दिक्कत नहीं होता, टाइम अच्छे से कट जाता है। ये भाई हमारे इसको मोड़ रहे हैं लेकिन ये मोड़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे अच्छों की जो पसीना छूट जाता है। हाँ, इसको करने में जो अच्छे अच्छे की पसीना छूट जाता है भाई, मैं जब से वो लेकर आया ना तब से परेशान था। हाँ, तू अपना करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाएंगे मेहताब भाई। ये हमारे मेहताब भाई की गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, छोटा हाथी है, छोटा हाथी है हमारे मेहताब भाई, उसको मोड़ के चेक करके बताएंगे। हाँ ठीक है, हाँ इसको बताओ कैसे, ये देख ले नहीं काम खत्म। हाँ यार, लेकिन मेरा वाला क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा है यार, ये होता नहीं है, ये मेरी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। हाँ, घावा पीना लेके चलो यार। हाँ, गाड़ी उधर चल के पार्किंग लगाओ। हाँ, तो मेहताब भाई जैसे कि आ चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, टाइम पास हो जाएगा हम लोग का। तो मेहताब भाई मैं जा रहा हूँ उधर गोश्त लाने के लिए, गाड़ी लेके चलोगे अपनी? नहीं, अपनी मेरे पेट्रोल नहीं है, मैं कसम से दिखा देता हूँ। तो सच में आप देख लो ना, अगर है तो लेकर चलो। चलो मैं गाड़ी उधर पार्किंग लगा देता हूँ। तो यहाँ पर गोश्त मिलता है, हम और हमारे मेहताब भाई और ये भाई को लेकर चलते हैं। हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, तुम्हारे को पूछ रहा हूँ तुम कहाँ हो ये बताओ। वो घर है जहाँ पर जो है बंगाली बेचता है, इसी में काटता है बकरा और बेचता है, बाहर से आदमी आते हैं लेकर जाते हैं। तो अंदर जाने पे शायद बुरा माने कि वीडियो वीडियो ना बनाए, इसीलिए हम लोग आप लोग को जो है बाहर से दिखा देते हैं। वहाँ ऊपर बोर्ड लगा भी है लहम का, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर मिलता है। तो चलिए आप लोग को अंदर का दिखाते हैं, अगर नहीं बनाने देगा वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यही वो घर है गांव में जो यहाँ पर जो है बंगाली काटता है और बेचता है, बाहर से आते हैं लोग लेकर जाते हैं। देख सकते हैं यहीं पर दो पन्नी हमारे मेहताब भाई लिए, इसमें बकरे का घोड़ा है, ये बकरे का घोड़ा है जो लेकर जाएंगे, बनाएंगे बढ़िया से खाएंगे, यहाँ पर मिलता है। ये दो पैकेट लिए, ये दोनों आपका काका भैया दोनों है आपका, किसी का मतलब दूसरे को देना है, दोनों एक मैं लूंगा एक दूसरा ले जा। अच्छा, कितना होगा यार इसमें?
ये 15 रियाल का मिला है, यानी ये अगर 3 किलो भी 2 किलो भी होगा तो फायदा है यार। 7-7.5 रुपया किलो हो गया। अपने यहाँ तो बकरे का गोश्त 35-36 रुपया किलो है। अगर ये 15 रियाल में मिल रहा है तो ठीक है। ये जो है इस एरिया का वो है पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हमारे मेहताब भाई कुछ लेने वाले हैं। ये ठेले वाले से ठेला वाला यहाँ पर लगा के रखा है, मूँगफली वगैरह बेच रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेहताब भाई देखते हैं क्या लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। चलिए उतर के दिखाते हैं आप लोग को दिखाते हैं हमारे मेहताब भाई क्या लेने वाले हैं। मूँगफली लेने वाले हैं कि काजू लेने वाले हैं कि बादाम लेने वाले हैं। ये यहाँ पर देखो बढ़िया बढ़िया चीज़ बिक रहा है। ये देखो ये भी यहाँ का खाने वाला है, जो हम लोग अपने इंडिया में फेंक देते हैं यहाँ पर सब खाते हैं। ये अखरोट देखो, अखरोट हो गया है, ये पिस्ता हो गया, इसको पिस्ता ही बोलते हैं ना। यहाँ पर मर मसाला वगैरह लगाया हुआ है। कहाँ ले रहे हो भैया? मूँगफली वगैरह है, ये देखो ले लो भैया। ये मूँगफली भी यहाँ पर मिलता है, देखो ये मूँगफली रखा हुआ है, खा सकते हैं उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूँगफली यहाँ पर छिलका वाला है, ये यहाँ पर बगैर छिलका वाला है, बादाम है, ये आदमी बेचने वाला है यहाँ का, 5 रुपया 6 रुपया किलो बेच रहा है। चलिए देखते हैं और हमारे मेहताब भाई आगे क्या करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।